माय गॉड, देखिए ना इन्हें, इन घोड़ों को देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं उनके पीछे ऊपर बैठ जाऊं और फिर गाना प्ले हो और फिर मेरी ऐसी हीरोइन वाली एंट्री हो। अरे लेकिन हीरोइन वाली एंट्री मेरी क्यों होगी? हीरोइन वाली एंट्री तो अब हमारी हीरोइन, नई हीरोइन यानी कि गुड्डन की होगी। सो लकी। चार साल बाद बदल गया गुड्डन का अंदाज। बदले बदले हैं एजे के मिजाज। सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में बदल गई है सीरियल की कहानी। एक तरफ जहां गुड्डन का सपना पूरा हो गया है हीरोइन बनने का, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत भी बन गया है कबीर सिंह। और देखिए, जैसे ही वो गुड्डन का नाम भी लिखा हुआ देखता है तो कैसे गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो ये जो एजे रिलोडेड है ना, ये एक तरह से एक वाइल्ड एनिमल है। जो एजे पहले गुस्सेल था, खड़ूस था, एंग्री था, वो सब है, लेकिन पहले वाले एजे में फिर भी लिमिट थी। ये अनलिमिटेड है, ये इतना सा भी छेड़ दोगे ना तो तोड़ देगा। भाई टूट तो गया है गुड्डन गोले वाले का ठेला, और इसे ये भी पता चल गया है कि एजे गुड्डन से कितनी नफरत करता है। खैर, उधर गुड्डन भी अपनी तरक्की की उड़ान भर रही है और आज है उसकी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुड्डन बहुत खुश है, लेकिन इसकी खुशी तब परेशानी में बदलती है जब उसका पीआर उसकी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर जाने के लिए कहता है। हम आपको आपके चाहने वालों के बीच लेके जाएंगे। हाँ, कल सुबह आप इंदौर जा रहे हैं। उस शहर में मुझे नहीं, उस शहर से स्टार्ट नहीं करना है, मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ। चार साल में बहुत सारी कोशिशों के बाद थोड़ी स्टेबल हुई है, लग रहा है कि शायद मूव ऑन कर चुके, लेकिन ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस माइंड में हैं, सब लोग हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। नाना करते हुए भी गुड्डन अपने शहर इंदौर वापस आ गई, और देखिए कैसे सबसे अपना मुंह छिपा रही है और अपने शहर वापस आने की खुशी अभी जता रही है। वो गुड्डन पना तो हमेशा ऑफ कोर्स गुड्डन में रह गई, लेकिन समझदार गुड्डन पना के साथ आएगी वो। वाकई गुड्डन गुड्डन ही रहेगी। और देखिए, आते के साथ ही सबसे पहले वो गई अपने मम्मी पापा से मिलने, वो भी वहाँ के रिपोर्टर से छिपते छिपाते। वैसे गुड्डन का इंतजार तो गुड्डन की दादी सास को भी है, और अब जाकर उनकी तपस्या भी पूरी हो गई है। उनकी प्यारी गुड्डन बहू इंदौर जो आ गई है। अब देखना होगा कि कैसे इंदौर में फिर से शुरू होगी गुड्डन और एजे की कहानी। अपर्णा द्विवेदी और विशाल शर्मा के साथ नुपुर माउची, मुंबई आज तक।